सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। वैसे 2023 के इस ईयर को अगर हम बॉलीवुड के कमबैक का ईयर कहें तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, जीरो के बाद SRK की पठान एंड जवान, सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और अब फाइनली किसी का भाई किसी की जान के बाद टाइगर 3 के साथ सलमान खान ने कमबैक किया है, ऐसा लग रहा है। वैसे हम सब जानते ही है कि टाइगर 3 YRF की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत ही की थी सलमान खान ने टाइगर जिंदा है के साथ, और उसके बाद वॉर एंड पठान और अब फाइनली टाइगर 3 के साथ फिर से इस यूनिवर्स में री एंट्री की है सलमान खान ने। सो चलिए देखते हैं कैसी है टाइगर 3 मूवी में, क्या अच्छा है और उसके साथ साथ क्या ड्रॉबैक्स है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। Hey everyone, welcome to Film B, मैं हूं एकता जानी। So, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। मूवी की शुरुआत ही होती है 1999 में लंदन से, जहां पर कैटरीना कैफ एज जोया एंड इमरान हाशमी एज आतिश रहमान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वैसे यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप टाइगर 3 देखने जा रहे हो तो प्लीज टाइम से थोड़ा पहले चले जाना, लेकिन बिगनिंग मिस मत करना, क्योंकि शुरुआत के 5-7 मिनट में ही ये बैक स्टोरी आपको दिखाई जाएगी और उसी के साथ टाइगर की जबरदस्त एंट्री भी दिखाई जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर हो जाती है टाइगर की एंट्री। टाइगर किसी मिशन पर है और इस मिशन के दौरान टाइगर को ये पता चलता है कि पाकिस्तान में एक मिलिटेंट आउटफिट क्रिएट हुआ है, जिसका मेन सूत्रधार है आतिश रहमान। और आतिश रहमान ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाता, वो दिमाग का खेल खेल रहा होता है। यहाँ पर वो कैटरीना कैफ एस जोया का भी इस्तेमाल करता है अपने एक मिशन को अंजाम देने के लिए, और जोया भी टाइगर को धोखा देके आतिश रहमान का मिशन पूरा करती है। क्यों, लग गया ना झटका? आगे इससे भी बड़ा एक शौक बाकी है। जैसे मैंने आगे कहा कि आतिश रहमान दिमागी खेल ज्यादा खेलता है, तो यहाँ पर एक टाइम वो ऐसा भी ला देता है कि टाइगर को भी मजबूर हो जाना पड़ता है उसका साथ देने के लिए। जी हाँ, टर्की में पाकिस्तान चीन समिट होता है और वहां पर टाइगर एक ब्रीफकेस चोरी कर लेता है। टर्किश पुलिस उनका पीछा करती है और फाइनली टाइगर पकड़ा जाता है, और फिर टाइगर को गद्दार करार करते हुए उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब वहां पर रहते हुए टाइगर को ये पता चलता है कि आतिश रहमान का जो एम है वो सिर्फ ब्रीफकेस चोरी करने का नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान करके बैठा है वो। तो अब टाइगर तो है जेल में, तो अब किस तरीके से वो आतिश रहमान को मात देगा? और इसके साथ साथ जोया ने भी टाइगर को धोखा देके क्यों किया आतिश रहमान का मिशन पूरा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको थिएटर तक जाना पड़ेगा। वैसे मूवी के फर्स्ट हाफ से ज्यादा आपको मूवी के सेकंड हाफ में मजा आएगा, और जैसे मूवी की बिगनिंग मिस नहीं करनी है वैसे ही इंटरवल के ठीक बाद का भी सीन मिस नहीं करना है। अगर आपको याद हो कि पठान के वक्त टाइगर ने पठान से कहा था कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूं और वहां मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, तो टाइगर बुलाए और पठान ना आए, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, पैराशूट से एंट्री होती है पठान की और वो लपक के पकड़ लेता है टाइगर को और उड़ा के ले जाता है। यहाँ पर दोनों के डायलॉग जबरदस्त थे। दोनों ने एक पैराशूट पकड़ा हुआ है, पठान ये कहता है कि हम दोनों के पास एक ही पैराशूट है, तब टाइगर ये कहता है कि तू ही रख ले, हवा में उड़ते हुए बाल तेरे अच्छे लगते है। तो यहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त दिख रही है, बिल्कुल पठान वाली। बात करें टाइगर 3 की स्टोरी की, तो अब तक रिसेंट जो मूवीज आई है सलमान खान की उनके कंपैरिजन में टाइगर 3 की स्टोरी अच्छी है। कैटरीना कैफ एज जोया एज यूजुअल धमाका। यहाँ पर विलन का कैरेक्टर जिसको निभाया है इमरान हाशमी एज आतिश रहमान, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और इमरान हाशमी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी टिकट का पैसा पूरा वसूल हो, तो प्लीज जब मूवी खत्म हो जाए और उसके बाद लेके प्रभु का सॉन्ग आए, उसके बाद प्लीज सीट से उठकर चले मत जाना, क्योंकि उस सॉन्ग के बाद एक जबरदस्त सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी इस दिवाली को और रोशन कर देगा। अब बात करते हैं मूवी के ड्रॉबैक्स की। तो मुझे यहाँ पर खास एक ड्रॉबैक लगा मूवी का। अगर आप YRF की स्पाई यूनिवर्स का पैटर्न देखो तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, इंडिया पाकिस्तान कनेक्शन। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हम टाइगर 3 की बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि हमारे ही रॉ एजेंट को हम ही गद्दार समझ रहे हैं, और वो पाकिस्तानी PM को बचाता है और टाइगर के आगे से गद्दारी का टैग हट जाता है। और यहाँ पर खास बात ये है कि पाकिस्तानी PM अमन और शांति चाहता है, तो वे हिस्ट्री उठा के देख लो आज तक वहाँ पर ऐसा कौन लीडर आया है जो सच में अमन और शांति चाहता हो। और अगर सच में ऐसा होता तो आज दोनों देशों के जो संबंध है वो कुछ अलग ही होते। हम ये नहीं कह रहे कि आप नफरत दिखाओ, हम भी वहाँ किसी से नफरत नहीं करते हैं, हमें नफरत है वहाँ के कुछ लोगों की सोच से, और उस सोच से हमारे देश को और हमारे आर्मी को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आप इस रियलिटी पर कोई मूवी बनाना नहीं चाहते या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते, तो प्लीज आप इस मुद्दे से ही दूर रहिए। कम से कम इस सारे टॉपिक पर
शुगर कोट करके दिखाकर किसी और के भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मूवी को सिर्फ मूवी के नजरिए से देखें तो मूवी की स्टोरी अच्छी है, फैमिली इमोशंस आपको इसमें से मिल जाएगा। आतिश रहमान जो इस मूवी में विलन है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, इमरान हाशमी ने इसको बखूबी निभाया है, अरिजीत सिंह के इसमें दो गाने हैं जो अच्छे हैं, मूवी भी ओवरऑल अच्छी है। आपने मूवी देखी या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।